हेलो माय डियर एंड रिस्पेक्टेड फैमिली, तो लीजिए मैं एक बार फिर से आ गई हूँ एक डिलीशियस स्वीट्स के साथ जिसका नाम है चंद्रकला। बनाने में बहुत आसान, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मीठा, बहुत ही अच्छी मिठाई है ये। हर दिल अजीज चंद्रकला, ये किसे नहीं पसंद होगा, सबको पसंद होगा। पूरे भारत में प्रसिद्ध है, वैसे यूपी बिहार में ज़्यादा ही फेमस है। यूपी बिहार की ये एक शानदार मिठाई है जो हर घर में बनता है, हर कोई को पसंद होता है, हर दिल अजीज होता है चंद्रकला मिठाई। हेलो माय डियर एंड रिस्पेक्टेड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल आर स्मिता फेस्टिव ब्लॉग। तो बताइए कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की कुशलता की शुभकामना करती हूँ। ये मैं बना रही हूँ चंद्रकला। अगर चंद्रकला पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल सके और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। ये हम लिए हैं मैदा। मैदा में हम थोड़ा सा 4 चम्मच के लगभग गर्म मोइन डाल रहे हैं। इसमें थोड़ी सी चुटकी भर है बेकिंग पाउडर, चुटकी भर है बेकिंग सोडा, क्योंकि मेरी क्वांटिटी मैदा की बहुत कम है। इसका मेजरमेंट होता है 1 किलो मैदा में 1 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच भर के बेकिंग सोडा, ये 1 किलो मैदे का मेजरमेंट है। और अब इसे हम गर्म पानी से गूंथ लेंगे। मोइन इसमें मिक्स करने बाद इसे अच्छी तरह से फ्लफी सा, हाथ से सूखा मैदा ही खूब अच्छी तरह से फेंटना चाहिए, जैसे मैश करना चाहिए। उसके बाद गर्म पानी से मैदे को गूंथ लेना चाहिए और इकट्ठा पानी डाल करके इसमें नहीं गूंथना है, थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा डालना है और थोड़े थोड़े हल्के हाथों से गूंथना है। बहुत ज़्यादा इसे टाइट नहीं गूंथना है, सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। 10 मिनट के लिए इसे ढक करके रख देंगे, उसके बाद अपनी चंद्रकला मिठाई बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम आराम से बैठ गए हैं ज़मीन पर नीचे और अब बैठ करके हम बनाएंगे। खड़े होकर के ज़्यादा काम नहीं कर सकते, उतना हो लिया बहुत हो लिया। तो अब इसे हम बड़ी सी रोटी बेलेंगे। अगर हम चाहें तो इसे रोटी की तरह, जैसे छोटा छोटा पूड़ी वगैरह बनाते हैं, उस तरह से इसे अलग अलग भी बेल सकते हैं, पर हम बहुत छोटा छोटा बना रहे हैं इसलिए हम ग्लास से काट ले रहे हैं। अपने साइज के अनुसार, अपने मनपसंद आकार के अनुसार, चंद्रकला कितना बड़ा बनाना है उसके अनुसार इस पूड़ी को हम बेल करके तैयार कर सकते हैं। अगर बड़ा बनाना है तो जितना बड़ा हम पूड़ियाँ बेलते हैं या रोटी बेलते हैं, जितना बड़ा से बड़ा बना सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा बड़ा ये नहीं अच्छा लगेगा। तो पूड़ी का साइज का बना सकते हैं, हम छोटा बना रहे हैं क्योंकि होली का मौसम है और बहुत लोग क्या होता है ना कि सभी का पेट भरा रहता है तो काटने लगते हैं कि आधा लेंगे, हाफ लेंगे, इस तरह से। तो मैं छोटा छोटा ही बना देती हूँ कि 1 के बदले 2 खा लीजिए, पर कट पीस ना कीजिए इसलिए। तो अब इसे हम इस तरह से 2 रोटियों के बीच में जो मेरा मसाला है, मिश्रण है, मसाला है, इसे इस तरह से भरेंगे और पानी को, और जो पूड़ियां हैं चारों तरफ इसमें पानी लगा करके, इसमें बीच में मिश्रण रख करके इसे हम इस तरह से गूंथ लेंगे हाथ से ही। वैसे जैसे हम डिज़ाइन बनाए, बहुत सारी डिज़ाइन बनती हैं, बहुत सारे अपने मनपसंद के जो चाहे डिज़ाइन बना सकते हैं, जिसको जो आता है। पर ये एक आसान विधि है और एक यूनिक रेसिपी, मतलब एक यूनिक डिज़ाइन है, एक आसान तरीका है, बन भी जाता है जल्दी से, देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। और ये पुराना डिज़ाइन है, जैसे हमारे दादी नानी के ज़माने का है ये डिज़ाइन। हम लोग गुजिया भी पहले, अभी ना सारा डिज़ाइन हो गया है, साँचा हो गया है, तरह तरह के डिज़ाइन हो गया, पहले एक ही तरह से बनता था। इसी तरह से इसको कहते हैं गोठना। ये डिज़ाइन बहुत ही फेमस और बहुत ही पुरानी डिज़ाइन है, हम लोग को भी पसंद आता है, बन भी जाता है जल्दी जल्दी। तो हम इस तरह से इसे बना लेंगे। अब हम बना लेते हैं फटाफट से ना, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। और ये मेरी बेटी बेल रही है, पहले हम बेल रहे थे तो वो बोली, हम बोले उसको भरने के लिए, तो बोली कि मुझे आता नहीं है, तो हम बोले हम बताते हैं, तो फिर वो बोली कि दीजिए हम बेलते हैं, तो वो बेलने लगी। और इस तरह से ग्लास से ही काटना सा तो आसान था इसे करना। अब ये मेरा देख करके खुद से भी बना रही है, करिए कि दीजिए मैं भी बनाऊँ, कहीं बनाओ तभी तो सीखोगी। ये बनाई है, ठीक ही बना रही थी, अच्छा बना रही थी, पर इसके मुंह पर तो हम बोल दिए कि अच्छा नहीं बनाई हो, मेरा ज़्यादा अच्छा बन रहा है। तो अभी वो बोल रही कि आप पूछिए अपनी ऑडियंस से कि कौन ज़्यादा अच्छा बनाए हैं, आप बनाई हैं या हम बनाए हैं। तो अभी हम दिखाते हैं जब ये ला रही है बना करके। तो पानी लगाना, जो किनारी जहाँ पर भी चिपकाना होता है, पानी लगाना बहुत ही आसान होता है। ये देखिए बना करके दे दी, बहुत आसान होता है, नहीं तो ये खुलने लगता है, इसका मसाला जो है कढ़ाई में निकलने लगता है। तो बताइए, उधर वाला मेरी बेटी का है, इधर वाला मेरा है। सच बताऊँ तो बेटी वाला ही अच्छा है, आप लोगों को भी वही अच्छा लगेगा। क्यों स्मिता, क्यों झूठ बोल रही हो, तुम्हारी बेटी अच्छा बनाई है। हाँ, मेरी बेटी अच्छा बनाई है। तो बस क्या करना है, इसे फटाफट से इस तरह से गढ़ करके रख लेना है। ये बन करके रेडी हो गया है, बहुत ज़्यादा तो हम बनाए नहीं थे, इतना ही थोड़ा बहुत और होगा, इतना ही बनाए थे।
और ये जो बड़ा साइज में इस तरह से बड़ा बड़ा बनाएंगे तो देखने में तो बहुत खूबसूरत लगेगा, पर वही लोग सब लोग पूरा नहीं खाता ना, इसलिए हम छोटा छोटा बनाए थे। इसके और भी डिजाइनें बन सकती हैं, ठीक, हम कभी बनाकर दिखाएंगे, अभी मेरा मन नहीं था, जल्दी जल्दी बस किसी तरह से कर दिए, तो उतना मन हो नहीं रहा था कि मैं कुछ बनाऊँ कुछ करूँ। पर क्या होता है ना कि कुछ लोगों के लिए या जो मेरे अपने हैं आते हैं, और मौसम है त्योहारों का तो देना तो पड़ता है ना, कोई आएगा तो उसे खिलाने पिलाने के लिए, इसलिए थोड़ा सा बना दिए थे कि किसी को ख़राब ना लगे कि मैं उनके घर गया या गई तो कुछ दी भी नहीं पानी पीने के लिए या कुछ भी, जो सिस्टम है सिस्टम को तो रखना पड़ेगा, इसलिए हम बहुत थोड़ा थोड़ा बना दिए थे। और डिजाइन बनाएंगे तो फिर दिखाएंगे, इसकी बहुत डिजाइन बनती है, दो चार मुझे आती भी है। और इसे ना कम आँच पर, यानी ऑयल गर्म हो, और जब इसमें हम डिप करें, यानी जब इसमें हम फ्राई करें जो हमारी चंद्रकला है या गुजिया या लौंगलता कोई भी चीज़, समोसा, मैदे का कोई भी आइटम, कम आंच पे इसको फ्राई करना चाहिए ताकि ये ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट बनता है, नहीं तो ऊपर ऊपर जल्दी जल्दी बन जाएगा और अच्छा से क्रिस्पी सा नहीं होगा। तो ये बनकर किस तरह से फ्राई करके हम थाली में निकाल लिए हैं, और अब इसे हम चाशनी में डिप करेंगे। ये है बड़ा वाला, तो सबसे पहले इसे हम डिप करके निकाल लेते हैं, और इसे ज़्यादा देर बस, क्योंकि इसके अंदर भी चीनी है, जो मसाला हम बनाए हैं चीनी उसमें भी है, तो इसे बहुत ज़्यादा देर तक इसमें चाशनी में नहीं डुबोना है। मन हो तो पूरे थाली में फैलाकर ऊपर से जैसे छन्नी वगैरह होता है कलछी से घुमा दीजिए, और नहीं तो इस तरह से इसमें डीप करके फटाफट से निकाल करके रख दीजिए, तो ये जो है इसका क्रिस्पीपन जो है वो बना रहेगा, सॉफ्ट नहीं होगा, जैसे गीला सा हो जाता है ना वो नहीं होगा, ये एक दो दिन तक क्रिस्पी रहेगा, ये ख़राब नहीं होगा, ऊपर भी मीठा अंदर भी मीठा नीचे भी मीठा। तो ये बन करके रेडी हो गया, आप लोग भी खा लीजिएगा, होली पर आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। मैं जो भी रेसिपी बनाई हूँ आप लोग भी खाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बी सेफ बी अलर्ट, थैंक यू।